नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी चुनावी यात्रा पे भी निकल चुके हैं। आचार संहिता भी लग चुका है। सह और मात का खेल स्टार्ट हो गया है। अभी हमारी टीम पुड़ैया गोड्डा जिला के पुड़ैया हाट क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र से हमारी मुलाकात घनश्याम यादव जी से हुई, जो यहाँ के वो वर्तमान जिला पार्षद भी है। इन्हीं से जानते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहा और क्या क्या सपने लेके आए हैं इस बार अपने 8-9 पंचायत के लिए। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और आपका कार्यकाल कैसा रहा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला परिषद में भेजा, और पुनः फिर चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसीलिए पुनः फिर एक बार जनता से मेरा अपील है कि अगर मेरे द्वारा 5 साल के अंदर किसी भी प्रकार की कमियां रह गई है या मुझसे कोई भूल हो गया है तो मुझे कृपया आप बताने का काम करें और मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूंगा। मुख्यतः जिला परिषद में सरकार के द्वारा कोई भी फंड नहीं दिया गया जी, इस कारण क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर सका और मैं काम नहीं दे सका। क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। मैं तो 5 साल तक रहा जिला परिषद, फंड नहीं रहने के कारण भी, जो कि आज 25 वर्ष पहले वो काम हो जाना चाहिए। इतनी जरूरियां सब, मैंने सड़क, जो कि पब्लिक को सबसे ज्यादा आवश्यकता है जी, सड़क की जी। मैंने अपने क्षेत्र में 5 साल के दरमियान योजना का भी सदस्य था जी, और जिला योजना में उस समय माननीय मंत्री थे यहाँ पे, उनसे मैंने लड़ाई करके और अपना अधिकार लिया और क्षेत्र के लिए मैंने काम किया जी। जो कि हमको लगता है कि वैसा काम, एक एक योजना आप देखेंगे क्षेत्र में जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवंधा पंचायत जी, आप इधर से घुसेंगे तो गोराडी डुमरिया एक गांव है जी, है वहां मेन रोड से वहां तक जाने के लिए बरसात में लोग साइकिल से भी नहीं पहुंच पाते जी। वो रोड को मैंने बनाने का काम किया जिसका लागत लगभग 19 लाख रुपया। लगभग आपके द्वारा कितनी सड़कें बनाई गई होगी ऐसी? लगभग मेरे मैंने जिला परिषद मेरे अनुशंसा से जी, मैंने क्षेत्र में मैंने लगभग लगभग 2 करोड़ का काम मैंने किया, सरकार से लिया जी। अब जिस भी कारण से लो, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में 2 करोड़ का लगभग काम कराया। क्या क्या उसमें है? रोड है, गांव में नाला है जी, मुख्यतः यही 2 पर मेरा फोकस था जी। जनता इस बार घनश्याम यादव को वोट क्यों करेगी? हाँ, ये भी सवाल आपका है कि जनता मुझे वोट क्यों दे जी। ये तो मैं जनता के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन मेरा जनता से अपील है कि अगर मैं 5 साल के दरमियान मुझसे किसी को कोई शिकायत हो मेरे कार्यकलाप से तो मुझे फिर वोट ना दे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे जनता का चापाकल ठीक कराना हो, बिजली का ठीक कराना हो, या फिर और किसी भी तरह की समस्या हो, थाना हो, पुलिस हो। मुख्यतः जनता भेजती है जिला परिषद को यही सब काम के लिए जी। क्योंकि हम लोगों को जानता है कि जिला परिषद को कोई फंड नहीं है कि ये बहुत बड़ा बड़ा योजना दे पाएंगे जी। मैं उनका जिला में प्रतिनिधित्व करूं, उनके जो समस्याएं हैं जैसे कि आपका मुख्य समस्या स्वास्थ्य को लेकर के जी। अब रात में कोई एक्सीडेंट कर गए, कोई बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल उनको ला रहा, हॉस्पिटल में केयर नहीं कर रहा, वहां पर उनका समस्या का समाधान करना। उनके बाद आपका है कि एक दूसरी समस्या हो जाती है थाना पुलिस, कोई आपस में 2 भाई झगड़ गए, उसके बाद दोनों को थाना ले आए। उसका मेरा काम यही रहा 5 साल में कि मैं किसी को केस होने नहीं दिया जी। और किसी एक आदमी का मैंने पर्सनल, अगर 2 आदमी लड़ा है तो मैं किसी एक का पैरवी नहीं किया। मेरा प्रयास रहा है कि दोनों को आपस में मिला करके कुछ मना सुलह करा देना जी।
ये बहुत अच्छा काम है सर कि दो घर का बंटवारा होते हुए आपने बीच में उसको बचाया, बीच बचाव करके जी। दूसरी समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है आपका ये पीडीएफ, मना क्या कहते हैं इसको, अनाज वितरण, हाँ पीडीएस का जी। उसमें भी बहुत सारे लाभुकों का, किसी का नाम छूट गया है, किसी को तेल नहीं दे रहा है, किसी को चीनी नहीं दे रहा है, किसी को चावल नहीं दे रहा है जी, कोई डीलर बदमाशी कर रहा है। तो प्रयास मेरा रहा है कि सब डीलर को समझा करके उन लोगों को उचित, उन लोग का सम्मान हो, उचित मिले उन लोग को अनाज, ये मैंने काम किया है। तीसरी समस्या है जनता की बिजली जी। तो मेरा बिजली विभाग में बहुत पुराना अनुभव भी है, हमारे घर से मेरे बड़े भाई बिजली विभाग में सर्विस भी किए यहाँ गुड्डा में ही, मेरे फादर भी बिजली विभाग, वो भी बिजली विभाग से ही रिटायर किए हैं, मैं भी बिजली विभाग में बहुत दिन तक कॉन्ट्रैक्ट का भी काम किया, तो इसलिए मेरे, मुझे बिजली विभाग का बहुत अनुभव भी रहा है और सभी पदाधिकारियों से अच्छा संबंध भी है। तो जो भी समस्या रहा है बिजली विभाग का, चाहे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे गाँव में मैंने ट्रांसफार्मर बदलवाया, सबका जल गया है तो ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम किया है, कुछ काम ठीक कराने का काम किया जी। ये सब जितनी सी समस्याएं हैं उन्हें मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया। चलिए, अगर जनता इस बार अगर आपको जिताती है तो 5 सेकंड में 5 काम जी, क्या क्या करेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वो काम जनता तो मुझे जिता देती है, 5 साल के लिए भेजा भी जी, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई भी जिला परिषद को योजना नहीं जी कि हम उस योजना को करा सके जी। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि सिंचाई पर फोकस रहना, किसान भाइयों के लिए किसान भाई साबित हो हाँ। जी, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है किसान बहुल क्षेत्र, एकदम एकदम सर, आप देखेंगे कि धान का कटोरा पड़ोयाट में उसी पश्चिमी को बोला जाता जी, है जी, जी, जी। धान गेहूं जो भी अनाज है जी। और दूसरी समस्या है, मेरा प्रयास रहेगा कि गांव गांव में पैक्स का जो है बिल्डिंग बनवाना और धान क्रय वहां हो, ये मेरा सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहेगा। ठीक ठीक। दूसरा है शिक्षा में जी, शिक्षा में है कि बच्चों को, देखिए अगर सरकार की ओर से 3 चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, अगर ये समस्याएं जनता की सॉल्व हो जाती है तो जनता आधा से अधिक जो है वो खुश हो जाते हैं जी, और उनका सब समस्या 3 चीज पर है जी। मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा में जहां जहां स्कूल में टीचर नहीं है उस पर टीचर दिलवाना, पढ़ाई बढ़िया से हो, ये मेरी व्यवस्था रहेगा। इस पर मैं पहले भी काम किया हूं और हमेशा करता रहा जी। आप बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं और बहुत अच्छी पहल लेके आए हैं। मैं बार बार अपनी वीडियो में एक चीज हमेशा कहता हूँ, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। ये कहावत हमारे घनश्याम यादव जी पे सूट करती है, बैठती है, क्योंकि इनका अभी जो हम लोग इनसे मुलाकात किए, इनका तूफानी दौरा ये क्षेत्र करके आए ही थे और हमने इनसे मुलाकात किया और इन्होंने बताया कि पंचायत में हमने ये काम किया और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता से यही अपील करते हैं कि जो हमने 5 साल काम किया है उसका हमें परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, रिजल्ट मांग रहा हूं आप लोगों से। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ, धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।